नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। अब रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। झांसी चुनावी घमासान में आज तूफानी जनसंपर्क में बहुजन समाज पार्टी व बीजेपी कार्यकर्ता उस समय आपस में भिड़ गए जब बीएसपी के कार्यकर्ताओं जेपी कार्यालय के सामने जा पहुंचे। मामले को बढ़ता देख बीएसपी और भाजपा कार्यकर्ताओं में हाथापाई होने लगी। पर बीएसपी और भाजपा प्रत्याशी भी मौके पर आ गए। मामले को पर्दा देकर स्थानीय पुलिस को सूचना दी, जिस पर थाना नवाबाद प्रभारी बीएल यादव अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने पुलिस को देख भागना शुरू कर दिया और कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस ने धक्का मुक्की भी हो गई। आगे किसी की एक नहीं चली। आखिर पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सूत्र ने बताया कि शहर में बीजेपी की जनता का समर्थन मिलता देख बीएसपी कार्यकर्ताओं को राश नहीं आया और धीरे धीरे मामला बढ़ गया। दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं में हाथापाई होने लगी, जिस पर पुलिस को भी धक्का मुक्की का सामना करना पड़ा। लेकिन पुलिस की शक्ति के आगे कार्यकर्ताओं को झुकना पड़ा। कुछ देर बाद ही नवाबाद थाना प्रभारी से बातचीत हुई तो प्रभारी बीएल यादव ने बताया कि दोनों पक्षों के प्रत्याशी समेत 400 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है।